अब हम पढ़ेंगे अध्याय 19 क्षेत्रफल। अध्याय 19 क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि किसी आकृति की सतह जितनी जगह घेरती है उसे उस सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी आकृति, चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी आकृति हो, उसकी सतह मतलब कि ये जो किनारे हैं, इस आकृति की जो किनारे हैं वो उस आकृति के जो किनारे हैं वो जितनी जगह घेरेंगी उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। आओ अब क्षेत्रफल मापने के लिए कुछ गतिविधि करें। पुस्तकें जमाओ। अपने दोस्तों के साथ मिलकर समान आकार की कुछ पुस्तकें जमा करो। अब अपनी कक्षा में रखी मेज पर इन्हें इस प्रकार जमाओ कि एक पुस्तक के ऊपर दूसरी पुस्तक न रखी जाए तथा उन पुस्तकों के बीच जगह न बचे। इस प्रकार क्या पूरी मेज ठीक-ठीक पुस्तकों द्वारा ढक जाती है? पुस्तकें जमाना है समान आकार की और इस तरह जमानी है इस मेज पर कि एक दूसरे के ऊपर ना रखा रहे, मतलब कि एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे के अगल बगल में पुस्तकें जमानी है और पूरी टेबल को पुस्तकों से भरना है। यदि अगर पूरी पूरी पुस्तकें ढक जाती है तो बताइए कि पुस्तकों कितनी पुस्तकों ने मेज की सतह को ढका। यह संख्या पुस्तकों के रूप में मेज की सतह का क्षेत्रफल होगा। अतः मेज की सतह का क्षेत्रफल कितना हुआ? जितनी पुस्तकें हैं, जितनी संख्या होंगी, 20 20 पुस्तक या फिर 30 पुस्तक, जितनी पुस्तकें से टेबल भरेगा उसे उस टेबल का क्षेत्रफल कहेंगे, उतनी पुस्तकों को। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा मेज पर पुस्तकें जमाने पर मेज की सतह पूरी तरह न ढके, या फिर उसका कुछ भाग शेष बच जाए, या फिर कुछ पुस्तकों का भाग मेज की सतह से बाहर आ जाए। यदि ऐसा है तो बताओ कि क्या इस स्थिति में भी हम मेज की सतह का क्षेत्रफल उस पर रखी पुस्तकों की संख्या के बराबर मान सकते हैं? इस पर आपस में तथा अपने शिक्षक से चर्चा करो। एक और गतिविधि। अब मेज पर समान आकार की चूड़ियाँ पहले की तरह एक दूसरे से स्पर्श करते हुए जमाओ। अब बताओ, क्या चूड़ियों के बीच खाली जगह बचती है? क्या पुस्तकें जमाने पर उनके बीच भी खाली जगह बची थी? क्या चूड़ियाँ मेज की सतह को पूरा पूरा घेर लेती हैं? ये सब सवाल आप चूड़ियाँ जमाने के बाद पता करो, देखो और समझो। क्या चूड़ियों से किसी सतह का क्षेत्रफल मापा जा सकता है? क्या किसी सतह का क्षेत्रफल मापते समय उस सतह को एक समान इकाइयों से पूरा ढका जाना जरूरी है? ये सब सवाल आप पता करो। कुछ और करें। अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए आकारों के गुणों के बहुत सारे टुकड़े काटो। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक टुकड़ी काटो। यहाँ कागज की टुकड़ी हो या किसी पेपर की टुकड़ी हो, और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली टुकड़ी काटना है। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई वाली टुकड़ी काटना है। अब नीचे बनी आकृतियों में 2 × 2 मतलब कि 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली टुकड़ी को जमा कर आकृतियों की सतह पर को ढको। चलो ढकते हैं। दो सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर, तो दो ये दो और ये दो और ये दो, ये दो तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे दो 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 चार हो गया, भर गया। उसके बाद है इसमें दो ले लेते हैं, फिर से 5 है तो दो और फिर दो, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर फिर से चौड़ाई आ गई। ये भी दो है, ये भी दो है, ठीक है। तो ये हो गया दो दो चार, चार हुआ। अब इतना बचा है, मतलब ये हो गया 1, 4 और 1 5 हुआ, तो
एक सेंटीमीटर यहाँ बच गया, तो ये पूरी तरह से ढकी क्या यह आकृति? नहीं ढकी। अब नेक्स्ट आकृति देखते हैं, इसमें तीन बार आएगा, दो दो की, एक दो तीन, एक दो और तीन। तो ये दो सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर मिल के क्या बना? छः सेंटीमीटर बना। ये भी दो सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई दो सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर है चौड़ाई और लंबाई दोनों की दो सेंटीमीटर। ये दो हो गया। अब इसमें भी फिर से दो आ गया, दो और दो, दो और दो चार हो गया। ये बच गया कितना? एक। इतना बच गया, एक एक सेंटीमीटर यहाँ पे बच गया। तो ये भी आकृति पूरी तरह से ढकी क्या? दो 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 गुड़ी दो सेंटीमीटर आकार से नहीं कटी, नहीं ढकी। अब देखते हैं, इसको जमा के देखते हैं नेक्स्ट वाला चित्र को। दो सेंटीमीटर चौड़ाई और दो सेंटीमीटर लंबाई, फिर दो सेंटीमीटर चौड़ाई, दो सेंटीमीटर लंबाई, दो और दो चार हो गए। यहाँ पे फिर एक बज गया, तो ये भी आकृति नहीं ढकेगी। अब नेक्स्ट आकृति देखते हैं, दो सेंटीमीटर चौड़ाई, दो सेंटीमीटर लंबाई, दो सेंटीमीटर चौड़ाई, दो सेंटीमीटर लंबाई, फिर से यहाँ पे दो सेंटीमीटर लंबाई, दो सेंटीमीटर, दोनों मिला के चार बन रहा है। तो ये पूरी तरह से ढकी क्या? दो गुड़ी दो टुकड़ी से, हाँ पूरी तरह से ये वाली आकृति ढक गई। कौन सी आकृतियाँ आकृतियों की सतह पूरी तरह से ढक गई? चार गुड़ी चार सेंटीमीटर वाली आकृति पूरी तरह से ढक गई। अब इन सभी सतहों पर तीन गुड़ित एक सेंटीमीटर की आकार के आकार को जमाओ। चलो तीन गुड़ित एक, ये वाली टुकड़ी को इन सभी पर जमा करके देखने के लिए बोल रहा है। ये तीन सेंटीमीटर, एक तीन सेंटीमीटर, एक तीन सेंटीमीटर, एक तीन सेंटीमीटर, एक और फिर तीन सेंटीमीटर एक। लेकिन यहाँ पे तीन सेंटीमीटर हुआ और यहाँ पे एक सेंटीमीटर बचा है, क्योंकि ये चार सेंटीमीटर है इसलिए। तो ये पूरी तरह से ढकी क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पाँच है, एक एक दो तीन चार और पाँच, पाँच है। अब बीस से काट देते हैं, तो ये हो गया तीन और तीन छः हुआ। तो ये पूरी तरह से कट गई ना, तीन और तीन ये छः बना दिया। और यहाँ पे एक 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 सेंटीमीटर करके हमने पाँच सेंटीमीटर यहाँ पे बना दिया। तो ये वाली आकृति पूरी तरह से ढक गई। इसमें कौन सी आकृति ढकी? पाँच गुड़ी छः सेंटीमीटर वाली। और ये दोनों भी आकृतियाँ नहीं ढकेंगी। इसमें भी तीन काटेंगे तो ये एक सेंटीमीटर बच जाएगा, और इसमें तीन काटेंगे तो दो सेंटीमीटर बच जाएगा इधर साइड, है ना। तीन और दो पाँच होता है, और तीन और एक चार होगा इसलिए। तो कौन सी आकृति पूरी तरह से ढकी? तीन गुड़ित एक वाले में, तीन गुड़ित एक सेंटीमीटर वाले में। क्या सभी आकृतियों की सतह पूरी तरह ढक गई? नहीं। कौन सी आकृति की ढकी? तीन पाँच गुड़ित छः वाली, है ना। अब इसी प्रकार से एक गुणित एक सेंटीमीटर के टुकड़ों को सभी आकृतियों पर जमाओ। क्या इस बार सभी आकृतियों की सतह पूरी तरह से ढक गई? तुमने देखा कि, चलो देखते हैं, पूरी तरह से ढकी क्या? एक गुणित एक सेंटीमीटर, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक 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 करके ये पाँच सेंटीमीटर हो गया, और ये चार हैं, तो एक दो तीन चार, चार सेंटीमीटर पूरी तरह से ढकी क्या? हाँ ढक गई पूरी। एक 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 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर की चौड़ाई, एक सेंटीमीटर की लंबाई वाली टुकड़ी पूरी तरह से इसमें ढक गई। उसी प्रकार से इसमें भी एक 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 सेंटीमीटर करके पाँच बार, और इधर छः बार करने से क्या हुआ? पूरी तरह से ये भी आकृति ढक जाएगी। ये सभी आकृतियाँ क्या हैं? पूरी एक से एक गुणित एक सेंटीमीटर वाले टुकड़ी से ढक जाएंगे। तो तुमने देखा कि एक गुणित एक सेंटीमीटर या इकाई वर्ग से सभी आकृतियाँ पूरी तरह से ढक गई। क्षेत्रफल मापने के लिए इकाई वर्ग का उपयोग होता है। इकाई
वर्ग का, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इकाई का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं क्षेत्रफल मापने के लिए। छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल एक गुणित एक वर्ग सेंटीमीटर से नापते हैं, और बड़ी आकृतियों का क्षेत्रफल एक गुणित एक मीटर से के वर्ग से नापते नाप से या जरूरत पड़ने पर और भी बड़े वर्ग से नापते हैं। चलो, अर्थात आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति के अंदर बने इकाई वर्गों की संख्या। कोई भी आकृति के वर्ग कितने बन रहे हैं, इकाई वर्ग मतलब एक गुणित एक सेंटीमीटर वाले वर्ग कितने बन रहे हैं, वो संख्या कोई भी आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये 4 × 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 खाने यहाँ पे एक गुणित एक मतलब कि एक सेंटीमीटर गुणित एक सेंटीमीटर वाली इकाई की कितने वर्ग बन रहे हैं, 16 वर्ग बन रहे हैं। और यहाँ पे गुणा भी करेंगे, 4 × 4 करने पर हमको मिलेगा 16, मिलेगा ना? तो 4 × 4 करने पर भी 16 मिल रहा है, और इसमें इकाई वर्गों की संख्या कितनी है, 16 है, जो कि इस इकाई वर्ग का क्षेत्रफल है, इस इकाई वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आकृति के अंदर बने जितने भी इकाई वर्ग की संख्या होती है उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, आओ अब एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 × 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है। यहाँ आयत की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो आयत के चारों भुजाओं पर एक सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते हैं, मतलब कि इकाई वर्ग यहाँ पे छोटे छोटे इकाई वर्गों में इस आयत को बांटेंगे। तो कितने इकाई वर्ग बनेंगे उसकी संख्या को गिनेंगे। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देखते हैं कि स्केल की सहायता से एक एक सेंटीमीटर की गैप में लाइन खींचने के बाद हमको इकाई वर्गों की संख्या कितनी मिली, 6। अतः आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 वर्ग इकाई होगा। यहाँ पे कोई वर्ग सेंटीमीटर या फिर 6 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, या फिर 6 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे इकाई कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, मीटर में दी हुई थी तो मीटर लिखते, और सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर, इकाई वर्ग सेंटीमीटर आया। उसके बाद है, सॉरी, 6 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का गुणा करें तो 3 × 2 बराबर क्या होगा, 6। ये भी क्या है, वर्ग आयत का क्षेत्रफल। तो क्या किसी आयत के अंदर उतने ही वर्ग बनते हैं, इकाई वर्ग बनते हैं, जितना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है? आओ पता करें। नीचे एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल इसी तरीके से ज्ञात करो। इस आयत के अंदर कितने वर्ग इकाई बने हैं, कितने वर्ग इकाई बने हैं, उसके जाने के लिए एक एक सेंटीमीटर की गैप में क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। जितने वर्ग यहाँ पे बनेंगे, 5 सेंटीमीटर है तो 5 5 खाने यहाँ पे बनेंगे एक एक सेंटीमीटर के, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 खाने बनेंगे एक एक सेंटीमीटर के। अब इसको गिनना है कि कितने वर्ग इकाई यहाँ पे बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने वर्ग इकाई बने, 20। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 4 × 5 बराबर कितना होगा, 20। तो दोनों बराबर हुए, इकाई वर्ग की संख्या और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल दोनों बराबर है, 20 और 20। अब नीचे दिए गए आयत को देखो और बताओ। चलो देखते हैं और बताते हैं। इस आयत में वर्ग इकाइयों में बांट दिया है, और इसकी लंबाई कितनी है, 6, और चौड़ाई है 5। तो आयत की लंबाई है 6, इस आयत की लंबाई 6 और चौड़ाई है 5। कुल बने इकाई वर्गों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 23, 26, 27, 28, 29, 30। कितनी है, 30।
30 गिनने के बाद पता चला हमको कि इसके अंदर की वर्ग की इकाइयों की संख्या है 30। अतः इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। जितनी वर्ग इकाइयों की संख्या होती है वही उस आयत का या उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। और लंबाई गुणित चौड़ाई कितना है? 5 × 6 करेंगे, 5 × 6 लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 30 होता है। तो दोनों का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आकृति के अंदर बने वर्ग वर्ग इकाइयों के बराबर होते हैं। अब इस आयत की लंबाई और चौड़ाई चलो निकालते हैं। लंबाई क्या है? 3, चौड़ाई है 6। कुल बने वर्ग इकाइयों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। 18 गिन लेते हैं और लिख देते हैं संख्या कितनी, 18। अतः इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 वर्ग सेंटीमीटर। और लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी है? 6 × 3, 6 × 3 करने पर कितना मिलेगा? 18। दोनों बराबर हैं, 18 और 18। चलो आगे देखते हैं। तुमने देखा कि आयत के अंदर उस आयत की लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर इकाई वर्ग बनते हैं। अतः इस किसी आयत के अंदर उस आयत की लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर इकाई वर्ग बनते हैं। अतः आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखते हैं। तुम जानते हो कि वर्ग भी एक विशेष प्रकार का आयत है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। लेकिन वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। अतः वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा की लंबाई गुणित भुजा की चौड़ाई, या फिर भुजा की लंबाई गुणित भुजा की लंबाई ही होगा। दोनों बराबर ही रहता है, चौड़ाई और लंबाई एक ही बराबर होता है। अब उदाहरण देखते हैं। एक पुस्तक की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो पुस्तक का क्षेत्रफल कितना होगा? पुस्तक एक आयताकार होती है, तो हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ज्ञात है कि पुस्तक की चौड़ाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई दी हुई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई 20 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे तो पुस्तक का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 × 20, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो 25 × 20 करेंगे कितना आएगा? 500 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो बताओ कि उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का एक कमरा एक क्या है? वर्ग आकार का है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित लंबाई। कमरे की लंबाई दी हुई है 8 मीटर, इसलिए फर्श का क्षेत्रफल होगा 8 × 8, लंबाई गुणित लंबाई, 8 × 8 वर्ग मीटर। तो कितना आया? 64 वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर, 8 × 8 = 64 आया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है क्षेत्रफल से रिलेटेड, उसे ज्ञात करना है बोल रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। दिया है लंबाई 8, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हमें पता है लंबाई कितनी दी हुई है? 8 × चौड़ाई कितनी दी हुई है? 4 × 8 = 24 सेंटीमीटर, 8 × 32 सेंटीमीटर आएगी। आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है? लंबाई गुणित चौड़ाई कर देना है। तो 25 × 15 सेंटीमीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल में 7,
15 30 37 37 कितना आया? 375 सेंटीमीटर आया। इस वाले में आयत की क्षेत्रफल कितना है? 375 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। मीटर में दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। लंबाई दी हुई है 15 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर, 15 छक्का 90 मीटर आया आंसर, 15 छक्का 90 मीटर आया। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 9 मीटर लंबी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित लंबाई, और लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है? 9 मीटर, 9 गुणित 9 बराबर 81 मीटर आया आंसर। वर्ग की भुजा 9 मीटर दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 81 मीटर। कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, 14 गुणित 8 कर देंगे तो हमको लंबाई उस कबड्डी मैदान का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 7 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े फर्श की का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई 100 mm चुनो। 7 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े फर्श का तो क्या करेंगे? 7 गुणित 4, 7 चौक 7 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करेंगे? लंबाई गुणित फिर चौड़ाई कर देंगे। 14 7 21 7 4 28 28 मीटर आ जाएगा क्षेत्रफल कमरे का। चलो, कमरे के फर्श का। एक कैरम बोर्ड 75 सेंटीमीटर लंबा है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैरम बोर्ड क्या होता है? वर्गाकार होता है कैरम बोर्ड। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणित लंबाई, और दिया हुआ है एक लंबाई उसकी दी हुई है तो 75 गुणित 75 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा करेंगे तो जितना आएगा वो हो जाएगा वर्ग का, उस वर्गाकार कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 5 5 25 की 5 हासिल में 2, 5 एकम 5 एकम 5, 5 7 35 2 35 36 37 7 5 35 की 5 हासिल में 35 की 5 हासिल में 3 7 5 5 5 25 25 की 5 हासिल में आई 7 5 35 की 5 हासिल में आई 3 7 7 49 49 50 51 52 बावन 5 7 5 7 11 12 2 हासिल में ये 3 5 1 6 7 8 9 2 कितना आया? 2925। कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आया? 2925 सेंटीमीटर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई है 55 मीटर। लंबाई दे दी हुई है, एक लंबाई मिल गई है तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित लंबाई, तो 55 गुणित 55 कर देंगे तो हमको उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। एक मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि मैदान 9 मीटर चौड़ा है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या? खेल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई दे दिया हुआ है 9 मीटर, तो लंबाई हुआ है चौड़ाई बराबर 9 मीटर दिया हुआ है, और लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई का दोगुना मतलब 9 गुणित 2 बराबर 9 गुनी 18
18 मीटर, 18 मीटर, 9 मीटर चौड़ाई मिल गई और लंबाई मिल गई 18 मीटर। तो क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, तो 9 गुणित क्या करना है 18 करना है, हमको पता चल जाएगा क्षेत्रफल क्या होगा उस खेल के मैदान का। अब ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी आयत का क्षेत्रफल मालूम होता है लेकिन लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक ही मालूम होता है, तब क्या हम दूसरे का पता लगा सकते हैं? आओ करके देखते हैं। नीचे दिए गए आयत में 12 इकाई वर्ग बने हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल होगा कितना, 12 वर्ग इकाई है। आयत की लंबाई में 4 तथा चौड़ाई में 3 इकाइयां हैं। यदि क्षेत्रफल 12 में लंबाई 4 का भाग दे तो प्राप्त हो, तो 3 प्राप्त होगा और यह चौड़ाई के बराबर है। और क्षेत्रफल में चौड़ाई क्षेत्रफल 12 में चौड़ाई 3 का भाग दे तो 4 प्राप्त होगा, यह लंबाई के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल भागे चौड़ाई बराबर लंबाई होता है और क्षेत्रफल भागे लंबाई बराबर चौड़ाई होता है। कोई एक दे दिया हो तो हम उसका चौड़ाई या लंबाई निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हो और एक लंबाई या चौड़ाई कुछ भी दिया हो तो हम दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। आओ अब सवाल हल करें। एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई है 6 मीटर, तो आंगन की लंबाई कितनी होगी? तो आंगन का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर, चौड़ाई दिया है 6 वर्ग मीटर, हमें आंगन की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है कि क्षेत्रफल भागित चौड़ाई बराबर लंबाई होता है, तो 48 भागित 6 बराबर लंबाई, आंगन की क्षेत्रफल होगा, आंगन की लंबाई होगी 8 मीटर। 48 को 6 से भाग करेंगे तो 6 × 8 = 48 होता है। अब ये प्रश्न तुम हल करो। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, इस कमरे की चौड़ाई 3 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी? क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर। हमको पता है कि लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल भागित चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 / 3, करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 18, 6 मीटर, लंबाई कितनी आ गई 6 मीटर। इसी प्रकार से बनाना है। एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मैदान चौड़ा कितना होगा? वही है, चौड़ाई का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल भागित लंबाई होगा। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल भागित लंबाई होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 35 भागित क्षेत्रफल दिया हुआ 700 भागित लंबाई दी हुई है 35, भाग करना है और जितना आएगा वो चौड़ाई होगी 735। 7 × 7 = 0, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 0 कितना आया, 20 मीटर। ये हो गई चौड़ाई उस आयताकार मैदान की। चलो नेक्स्ट है, 40 मीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर है, मेज की सतह की लंबाई बताओ। वही करना है, क्षेत्रफल भागित चौड़ाई, तो हमको मिल जाएगी लंबाई। एक रंग मंच का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है, यदि रंग मंच की लंबाई 9 मीटर है तो चौड़ाई मालूम करना है। क्षेत्रफल भागित लंबाई, 81 / 9 तो कितना आ गया चौड़ाई, 9 × 81 होता है, तो 9 चौड़ाई आ गया, 9 क्या बोलते हैं लंबाई आ गया। ठीक है, लंबाई तो दिया हुआ है, चौड़ाई कितना मिल गया हमको, 9 मीटर ही चौड़ाई मिल गया। क्या तुम बता सकते हो कि रंगमंच की आकृति कैसी है? जब 9 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई है तो रंगमंच की जो आकृति है वो है क्या हो जाएगी, वर्गाकार, क्योंकि दोनों बराबर है।
लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर है, इसलिए वर्गाकार हो गई आयत ए रंगमंच की आकृति वर्गाकार हो गई। यह भी करो, अपनी शाला के सभी कमरों के फर्श का क्षेत्रफल पता करो कि किस कमरे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अपने घर के किसी एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके लिए तुमने क्या क्या किया अपने शिक्षक से को बताओ। ऐसा भी पता करते हैं। हमने आयत और वर्ग के अंदर इकाई वर्ग बनाकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात किया है। आओ अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह से पता लगाने की कोशिश करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए यहाँ कुछ इकाई वर्ग पूरी तरह से त्रिभुज के अंदर बनी हुई हैं, अंदर बने हैं। कुछ इकाई वर्गों का आधा या आधे से अधिक भाग त्रिभुज के अंदर है और कुछ इकाई वर्गों का आधा से कम भाग त्रिभुज के अंदर है। उन वर्गों में हरा रंग भरो जिनका आधे से कम भाग त्रिभुज के अंदर है। उन वर्गों में हरा रंग भरो जिनका आधे से कम भाग मतलब कि जिस वर्ग का आधे से कम भाग त्रिभुज के अंदर है उनमें हरा रंग भरो। चलो भर कर देखते हैं। अब त्रिभुज के अंदर बाकी बचे वर्ग इकाइयों में नीला रंग भरो। अब त्रिभुज के अंदर बाकी बचे इकाई वर्गों में नीला रंग भरो। पहले आधे से कम वाले को भरना है। त्रिभुज के अंदर बाकी बचे वर्ग इकाइयों को नीला रंग भरो। त्रिभुज के अंदर का अधिकांश भाग नीला रंग है, नीले रंग से रंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नीले इकाई वर्गों की संख्या के लगभग बराबर है। देख सकते हैं हम कि इस त्रिभुज का अधिकांश भाग जो है नीले रंग से रंगा हुआ है और बहुत कम भाग जो है पीले रंग से रंगा हुआ है। तो देख कह सकते हैं हम कि इस क्षेत्र वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल नीले वर्ग इकाइयों की संख्या के बराबर होगा, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वो नीले रंग जितना भरेंगे, जितना डब्बे में नीला रंग भरेंगे उसकी संख्या को यहाँ हम लिख देंगे, चाहे वो दो हो, बीस, तीन, आठ हो, आठ वर्गों को हम भरे हों, वो वर्गों की संख्या क्या हो गई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस प्रकार नीचे बनी आकृतियों का क्षेत्रफल भी वर्ग क्षेत्रफल इकाई वर्गों के को गिनकर बनाओ। चलो बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका क्षेत्रफल लगभग हो जाएगा 7 हो जाएगा इस वाले आकार का। 1, 2, 3, 4, 5 इसका 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग इकाई वर्ग और 1, 2, 3, 4 इकाई वर्ग, ऐसे करके इन आकृतियों का हम क्षेत्रफल लगभग करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। क्या इसी प्रकार तुम अपनी हथेली का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, कोशिश करो। आगे है अध्याय 20 आंकड़ों का निरूपण। आगे हम अध्याय 20 में क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों का निरूपण।